हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एट द बियर स्टोरी का क्वेश्चन आंसर आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लेडी फाइंड द बियर कप हाउ डिड शी बियर ब्रिंग इट अप वो लेडी को वो बियर छोटा बच्चा जो भालू थे वो कहाँ मिला था और उसको किस तरह से उसको लेके आए थे द लेडी फाउंड द बियर कप इन द फॉरेस्ट टू हिस हाउस टू हर हाउस तो वो जो लेडी थे उसको जंगल में मिला था और उसको घर में लेके आए थे यहाँ पर टू होगा हाँ शी फेड हिम विथ द बॉटल मिल्क उसने उसको बॉटल मिल्क पिलाया हर कुक हेल्प हर इन दस टक्स और उसका जो कुक मतलब जो खाना बनाने वाली थी वो भी उसको मदद किया था नंबर टू, द बेयर grew up but he was most amiable bear give that three example prove this वो जो छोटा बच्चा भालू था वो धीरे-धीरे बड़ा हो गया मगर वो बहुत ही प्यारा भालू था किस तरह से हम लोग को समझ में आता है कि वो बहुत ही प्यारा था और एंबिएबल बियर था ऐसा तीन एग्जांपल दो आंसर देख लेते हैं द फ्रेंडली बेयर वाज हार्मलेस जो बियर दो किसी को भी हानि नहीं पहुँचाता था ही वर्च एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड जो कैटल फील्ड में खेलते रहते थे वो भालू भी उन लोगों को निहारते रहते थे द चाइल चिल्ड्रेन यूज टू राइड हीज बैक सेफली जो बच्चे थे उसके पीछे कंधे पे बैठते थे सेफली द थ्री डॉग्स लवट टू प्ले ऑल शॉर्ट ऑफ गेम्स भी थी और जो तीन छोटे छोटे कुत्ते थे वो भी बियर के साथ बहुत मज़े से खेलते थे पुल इज ईयर्स एंड स्टम्प ऑफ द टेल उसको कान खींचते थे उसको टेल को खींचते थे एंड टीज इन इन एवरी वे और बहुत परेशान भी करते थे मगर भालू को ये सब पसंद था नंबर थ्री वाट डीट द बियर इट बी ज़्यादातर क्या खाते थे दे आर वेर टू थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू सो वो बी को दो चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे मिस्ट्रेस वर्ट वेट दे वो दो क्या क्या है द बी एट सम फूड एज द डॉग्स बी वही खाना खाते थे जो डॉग भी खाते थे ही वॉज गिवेन ब्रेड पॉडिज पोटेटो कैबेज टर्नीप उसको भी ये ब्रेड पोज पोटेटो और कैबेज टर्निप ये सब वेजिटेरियन खाना ही मिलती थी ही वॉज़ द वेजिटेरियन वो एकदम शाकाहारी वालू था ही लाइट द एप्पल मोस्ट उसको एप्पल बहुत पसंद थे ही वॉज़ नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि पेड़ से एप्पल को तोड़े एंड अटैक दटक करें नंबर फोर वेर वॉज द बीयर टाइड अपर को चेन कब -कब से बांधा जाता था और क्यू द बीयर वॉज यूजली टाइड अप विद चेन ओनली एट द नाइट जब रात होता था तब बियर को चेन से बांध के रखते थे एंड ऑन सनडेज वेन द लेडी विजिटेड हार सिस्टर फॉर लंच जब भी वो हर संडे वो लेडी अपने बहन के पास जाती थी लंच के लिए तब भी उसको उसी दिन मतलब संडे के दिन उसको गले में चेंद बांध के रख के फिर जाती थी नंबर फाइव हैपन वे ऑन द संडे वे इन द लेडी वॉज गोइंग हर सिस्टर हाउस वर्ट डी द लेडी डू वाट वॉज द बियर्स रिएक्शन एक संडे की बात थी जब वो लेडी सिस्टर हाउस में जा रही थी तब उसके साथ क्या घटना हुआ था और बियर का क्या रिएक्शन था और वन संडे वाइल्ड द लेडी वॉज ऑन द वे सिस्टर्स हाउस ही हर्ड द क्रैकिंग ऑफ द ब्रांचेस बिहाइंड हर शी सौ द बियर फॉलोइंग हर शी सो द बियर फॉलोइंग हर दो बार हो गया वन बार लिखोगे शी पनिश्ड हिम बाय द हिटिंग हिम ऑन हिस्ोज विथ हर अम्ब्रेला द बीयर टर्न दराउंड एंड वेंट back। जब सांडे के दिन थी वो लेडी बियर को बांध के आए थे मगर जब भी वो सिस्टर के हाउस चलने लगे वो फॉरेस्ट के पीछे से कुछ पैर का आवाज़ होने लगा था तो उसने जब मोड़ के देखा तो वो देखा बियर उसको फॉलो कर रहा है वो बहुत गुस्से में आ गया और उसको पानिश किया वो अपना जो अम्ब्रेला है उसको उसी से वो बियार का नोज में बहुत जोर से मारा और बियर भी फिर राउंड टर्न राउंड मतलब वो घूम गए और घर वापस चले गए नंबर सिक्स वाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग उसी इवनिंग को बियर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था वाई डीट द कुक एंग्री विथ हर मिस्ट्रेस और जो कुक थे वो मिस्ट्रेस के ऊपर भी बहुत गुस्सा दिखाया ऐसा क्यों द बियर लुक सैड वेन द लेडी केम बैक होम इन द इवनिंग जो बियर थे वो बहुत ही दुखी थे जब वो लेडी घर में वापस आए वो अपना अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था द पुअर क्रिएचर हैड बीन द चेन ऑल द डे उसी दिन पूरा दिन भर वो चेन में ही लिपटे रहे ही वॉज केप्ट वेटिंग फॉर द मिस्ट्रेस टू कम एंड सेट हीम फ्री वो वेट करते रहे कब उसका मिस्ट्रेस आएगी और उसको चेन से छुटकारा मिलेगा द मिस्ट्रेस कॉल्ड द बियर फॉर फॉलोइंग हर इन द फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट से लेके वो घर तक उसको डांटते ही रहे वो वापस आ कर भी उसको डांटना शुरू कर दिया द कुक गॉट angry. शी टोल्ड her mistress that the बीर had been sitting gently all the day and did not to be the treated harshly एनी और जो कुक थे वो भी गुस्सा करने लगे क्योंकि वो मिस्ट्रेस को डांटने लगे क्योंकि वो जो बियर थे वो पूरा दिन भर आराम से बैठे रहा और उसका इंतज़ार करने लगा था और उसको भी मना किया कि और ज़्यादा उसको ना डांटे अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में चलते हैं ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया नंबर वन लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं गिव द कैरेक्टर कैरेक्टर स्केच ऑफ द बियर बियर स्टोरी बियर स्टोरी में जो बियर का कैरेक्टर कैसा था ये हम लोग देख लेते हैं द बियर द बेबी बियर ब्रॉट ऑन मिल्क जो बेबी बियर मतलब छोटा टाइम से ही भालू को वो मतलब मिस्ट्रेस लेके आए थे और मिल्क मतलब दूध पिला के उसको बड़ा किया ही एट ओनली वेजिटेरियन फूड वो सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाता था ही नेवर टेस्टेड मीट वो कभी भी मांस को टेस्ट नहीं किया था ही लाइक एपल एंड हानी वो एपल्स एंड हानी को बहुत पसंद करते थे ही नेवर अटैक्ट द एनिमल्स वो कभी भी एनिमल्स को हानि नहीं पहुँचाता था ही एंटर्स द स्टेबल एंड द माउंटेन पोनिस इन अ फ्रेंडली मैनर वो कभी कभी जो आस्थाबल है वहाँ पर घुस जाते थे और जो माउंटेन पोनीस थे मतलब जो पहाड़ी छोटा घोड़े का बच्चा था उसके साथ भी बहुत फ्रेंडली हिसाब से ही उन लोगों के साथ भी मिलते जुलते थे द डॉग्स प्लेड हीम प्लेड विथ हीम एंड पुल हिज ईयर्स एंड टेल्स जो डॉग थे उसके साथ खेलते थे उसका ईयर मतलब कान को और लेज को पूछ को ज़ोर से खिसते थे मगर वो कुछ माइंड नहीं करते थे द चिल्ड्रेन एंजॉयड राइड ऑफ बियर्स बैग जो बच्चे थे वो बियर्स का राइड लेना पसंद करते थे ही वॉज क्वाइट फ्रेंडली विथ चिल्ड्रेन एंड अदर एनिमल वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे बच्चों के साथ और दूसरा एनिमल के साथ ही वॉज़ अ जेंटल एनिमल वो बहुत ही शांत और नरम दिल के एक एनिमल थे ही वॉज अ फेवरेट बोथ लेडी एंड कुक वो लेडी को भी और जो कुक थे उनका दोनों का ही बहुत पसंदीदा एनिमल थे गिव द कैरेक्टर ऑफ द स्केच ऑफ द लेडी इन द बियर स्टोरी जो लेडी थे इस स्टोरी में उसका कैरेक्टर बोलो आंसर निकले है द लेडी इज वेरी काइंड जो लेडी थे वो बहुत ही नरम दिल के थे वंसू फाइंड अ बियर कब इन द फॉरेस्ट सी टेम्स द बेबी बियर जब भी उसको एक बच्चा भालू मिला था फॉरेस्ट में जो आधा मरा अवस्था में मिला था उसको वो घर में लेके आए और अपने बच्चों जैसा पाला पोसा शी ब्रिंग सेम आप लाइक ओन सॉन शी फीड सेम मिल्क बॉटल वो अपने अपना अपना इस संतान के जैसा उसको प्यार किया उसका बड़ा किया और मिल्क बॉटल से भी मिल्क पिला के बड़ा किया शी गिव्स इन वेजिटेरियन डाइट वो उसको सिर्फ शाकाहारी खाना ही देते थे समटाइम्स ही पर शी पनिश्ड बियर फॉर हिज बैड बिहेवियर वो कभी कभी वो गुस्सा भी करते थे जब वो जो बियर थे वो परेशान करते थे शी पेट ही बिफोर चेनिंग वो जब भी कोई परेशान करते थे तभी उसको चेन से बांध देता था बांध देती थी द लेडी इज वेरी बोल्ड जो लेडी थी वो बहुत ही साहसी थी मतली बहुत ही साहस दिल की थी शी crossed द फॉरेस्ट alone fearlessly वो पूरा घना जंगल पार कर लेती थी अकेले ही शी hears अ वाइल्ड bear हर्ड uh, when ही चीज़ हर इन the फॉरेस्ट uh, वो बहुत ही गुस्सा uh, uh, हो जाती थी जब भी देखा कि वो जो बियर है उसका पीछा आ रहा है इसलिए उसको बहुत मारा भी इसके कारण शी डज़ नॉट टॉलरेट डिजोबिडियंस वो कभी भी अभद्रता या असभ्यता हजम नहीं करती थी इवन ऑन दार्ट ऑफ और पेड बियर अगर उसका पालतू बियर हो फिर भी उसका कोई भी शैतानी हरकत बदमाशी वो पसंद नहीं करती थी शी इज़ फॉन्ड ऑफ टेमिंग एनिमल्स वो एनिमल्स को बहुत पसंद करती थी ख़ास करके उसका बियर को बहुत ही प्यार करती थी ओके okay, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म तुम लोग कॉपी में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना थैंक यू